सो हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं हमारे चैनल अपडेट ज्ञान। तो गाइस, आप लोगों ने जो भी थंबनेल में देखा बिल्कुल सही देखा। सो गाइस, आज हम लोग आप लोग का ये डाउट क्लियर करने वाला हूं आज के वीडियो में, और हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आप लोग का जो मन के अंदर भ्रम है वो हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजेबल है, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए गाइस, वीडियो को बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही है कि मैंने रखा था आप लोग के लिए कल क्वेश्चन बॉक्स, जो कि गाइस मैं Q&A करने वाला हूं। तो गाइस, आप लोग में से बहुत जन का ऐसा मैसेज आ रहा है या फिर आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि कार्तिक भाई, अगर हम लोग का एक साल में 4000 घंटा वॉच टाइम अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब 4K वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ एक साल में तो क्या होगा। तो गाइस, आप लोग का जो ये मन के अंदर जो भ्रम आपका बैठ चुका कि आप लोग को एक साल में जो 4000 घंटा वॉच टाइम चाहिए वो कैसे आप लोग को क्लियर करना, वही मैं आप लोग को वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस देखिए, आप लोग जैसे बोलते हो कि कार्तिक भाई 4000 घंटा एक साल में कैसे कंप्लीट करें, तो गाइस आप लोग के अंदर जो ये भ्रम है ना वो पहले आप लोग खत्म कर दो। कि गाइस, आप लोग को जो बोला गया कि एक साल में 4000 घंटा चाहिए, मतलब एक साल में नहीं चाहिए, वो चाहिए 12 महीना में आप लोग को। और अगर आप लोग को समझ में अभी नहीं आता तो मैं अभी कॉपी में आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। आप लोग को एकदम आज का डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा आज का वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो गाइस देखिए, पहले तो आप लोग ये मन से भ्रम खत्म कर दीजिए कि आप लोग को वो जो वॉच टाइम चाहिए, जो क्राइटेरिया रहता है पूरा करने का YouTube के तरफ से, वो गाइस आप लोग को एक साल में नहीं चाहिए, वो आप लोग को चाहिए 12 महीना में। अब आप लोग बोलोगे कि एक साल और 12 महीने में क्या अंतर है, तो देखिए गाइस, एक साल क्या हुआ, आप लोग को जो बोल दिया जाता है कि एक साल, तो देखिए अगर आप लोग 2021 मान लीजिए जनवरी से अगर आप लोग चैनल स्टार्ट करते हो, 1 जनवरी 2021, तो उसका मतलब एक साल मतलब 1 जनवरी 2022 तक ही आप लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। वो हो गया आपका एक साल, 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 तक आपका हो गया एक साल, मतलब आपको इसके ही अंदर में पूरा करना पड़ेगा वॉच टाइम। लेकिन गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोग इसके अंदर में नहीं पूरा करोगे तो भी आपका चैनल में जो 4000 घंटा वॉच टाइम है ना, अब आप लोग 10 साल में क्लियर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखिए, एक साल में नहीं हुआ तो दूसरा साल में तो हो ही जाएगा, लेकिन आप लोग को एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहता हूं कि 10 साल में भी आप पूरा कीजिएगा ना वॉच टाइम, तो पर भी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अब गाइज कैसे वो मैं बताता हूँ। जैसे कि गाइज, मैं आप लोग को बता दिया कि 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 तक हो गया एक साल। अब मैं आप लोग को बताया कि 12 महीने आप लोग कंप्लीट कीजिए, ठीक है, मतलब 12 महीने आप लोग के पास होते हैं वॉच टाइम कंप्लीट करने के, एक साल नहीं। तो एक साल तो मैंने बता दिया, अब 12 महीने देखिए कैसे है। मान लीजिए 1 जनवरी 2021 से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, और 1 जनवरी 2022 तक तो हो गए 12 महीने। तो गाइस, इसके अंदर में अगर आपका 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा नहीं होता, मान लीजिए आपका 1 जनवरी या फिर 1 फरवरी 2022 तक में आपका वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, तो गाइस अब आप लोग 1 फरवरी 2021 से 1 फरवरी 2022 तक में अगर आपका 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट है तो आपका गाइस चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा जो मैं बता रहा हूं, या फिर आप लोग को मैं कॉपी में बता दूंगा, ठीक है। 1 जनवरी 2021 से आपने चैनल स्टार्ट किया और 1 फरवरी 2022 में आपका वॉच टाइम जो है कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो गाइस, अब आप वहां मत देखिए कि 1 जनवरी से आपने चैनल को स्टार्ट किया था, अब आप 1 फरवरी से देखिए, और इधर जो आपका 1 फरवरी तक कंप्लीट हुआ तो उसके बीच में आप लोग का जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, मतलब आप 12 महीने को देखिए, आप एक साल को मत देखिए कि मैंने चैनल कब से स्टार्ट किया था, आप देखिए कि मेरा 12 महीने के अंदर में वॉच टाइम जब भी कंप्लीट हो जाता है आपका चैनल मोनेटाइज कर सकते हो। अब गाइस, आप लोग को नहीं समझ में आता तो चलिए गाइस, आप लोग को स्क्रीन पर कॉपी पे लेकर चलते हैं, तो चलिए कॉपी पर। सो गाइस, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए आप लोग का मन का भ्रम क्या है। मान लीजिए आप लोग 1 जनवरी 2021 से आप लोग चैनल को स्टार्ट करते हो, तो आप लोग का मन में भ्रम है कि यहाँ से लेकर हम लोग को यहीं तक में हम लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा, हम लोग का वॉच टाइम जो 4K वॉच टाइम है वो हम लोग को 1 जनवरी से लेकर मतलब 1 जनवरी फिर 2022 तक, मतलब यहीं तक में हम लोग को वॉच टाइम जो है कंप्लीट करना पड़ता है। ये आप लोग का मन के अंदर का भ्रम है, वरना फिर हम लोग को फिर 1 जनवरी से लेकर फिर दिसंबर तक हम लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब पूरे साल में, वरना हम लोग का होगा नहीं। तो देखिए गाइस, आप लोग को वो नहीं ध्यान देना कि एक साल में हम लोग को कंप्लीट करना, आप लोग को 12 महीना में कंप्लीट करना। अब मान लीजिए 12 महीना क्या हुआ, तब 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपका हो गया एक साल, अब आप लोग का 12 महीना क्या हो गया, मान लीजिए फरवरी से लेकर फरवरी तक लेते हैं या फिर हम लोग जुलाई से लेकर जुलाई तक लेते, ये हो गया गाइस आपका 12 महीना। इसलिए मैंने कहा कि 10 साल में आप लोग कंप्लीट कर सकते हो वॉच टाइम। अब आप लोगों को मैं बता देता हूं कैसे। मान लीजिए आप लोग 1 जनवरी को चैनल आपका स्टार्ट कर लिए, ठीक है, और आपका एक मतलब दिसंबर के लास्ट तक आपका नहीं हुआ वॉच टाइम कंप्लीट, आपका नहीं हुआ और आपका कंप्लीट होता है यहां पर मान लीजिए मई में,
मैं आपका 4K कंप्लीट होता वॉच टाइम, ठीक है। तो अब आपको ध्यान क्या देना, 1 जनवरी का आपको ध्यान नहीं देना कि आप 1 जनवरी को आपका चैनल स्टार्ट किया जाए, अब आपको ध्यान देना है मैं से लेकर मैं तक आपका कितना हो रहा वॉच टाइम, वो आपको ध्यान देना है। अगर आपका गाइज मैं से लेकर मैं तक आपका 4K वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता तो गाइज कोई दिक्कत नहीं, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन आप लोग दिमाग में क्या सोचते हो कि 1 जनवरी से स्टार्ट किया तो लास्ट दिसंबर तक हम लोग को जो 4K वॉच टाइम है वो हम लोग को कंप्लीट चाहिए एकदम, वरना फिर से हम लोग को दूसरा साल में 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक करना पड़ेगा। तो गाइस ये आप लोग मन से भरम हटा दो, आपका अगर दिसंबर मतलब ये जो इस साल में अगर नहीं होता कंप्लीट, आपका इधर का अगर अक्टूबर में भी कंप्लीट हो जाता, नवंबर में भी कंप्लीट हो जाता, तो गाइस फिर आप नवंबर से देखिए, मतलब गाइस आपको 12 महीना देखना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 महीना आप लोग को देखना है। जैसे आप नवंबर से स्टार्ट किए और 12 महीने के अंदर में आपका अगर 4000 घंटा वॉच टाइम हो जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो गाइस मैं उम्मीद करूंगा जो आप लोग को मैं समझाया वो एकदम आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया। तो गाइस अब आप लोग ऐसा क्वेश्चन मत करना कि गाइस एक साल में अगर कार्तिक भाई मेरा 1 साल में अगर वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरा मोनेटाइज नहीं होगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग को मैं एकदम पूरा समझाने का कोशिश किया, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरा एकदम जितना भी लॉजिक है। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि 10 साल में भी आप लोग कंप्लीट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जब से मतलब आपका स्टार्ट कर रहे हो आप कब से वो मत देखिए, आपका 4000 घंटा कोई भी 12 महीने के अंदर में पूरा होना चाहिए, ठीक है। मतलब 12 महीने के अंदर में अगर आपका पूरा हो जाता 4K तो आपका कभी भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, वो क्यों ना 10 साल ही हो। तो गाइज मैं उम्मीद करूंगा आज का जो वीडियो आप लोग को समझाने का कोशिश किया वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर गाइज आप लोग को वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइज मेरा इंस्टाग्राम आईडी है kartiksan25, नहीं फॉलो किए लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के फॉलो कर सकते हैं। चलिए गाइज तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।